गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 24 मार्च से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें के करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस किस वर्ष सबसे पहले मनाया गया था और सब जो है प्रत्येक वर्ष की किस तारीख को इस दिवस का आयोजन किया जाता है। तो देखिए इसका उत्तर है, प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है और सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया गया था वो वर्ष 2013 में मनाया गया था। ठीक है, अगर हम इस वर्ष की थीम की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस की जो थीम थी वर्ष 2022 की वो थी शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। काफ़ी ही प्यारी ये थीम है इस वर्ष की, तो ध्यान रखिएगा ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस से संबंधित जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं आज के सेशन पे और सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो किस देश में अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन कर रहा है। ये देखिए नाटो जो सदस्य देश हैं वो एक अभ्यास कर रहे हैं, सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। इसका आयोजन किस देश में किया जा रहा है, फिनलैंड में किया जा रहा है, डेनमार्क में किया जा रहा है, नॉर्वे या फिर स्वीडन में किया जा रहा है। करेक्ट आंसर इस सी है, नॉर्वे में किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इन देशों के बीच में ये जो एक सैन्य अभ्यास किया जा रहा है बड़े पैमाने पर जिसका नाम है कोल्ड रिस्पॉन्स, इसका आयोजन नॉर्वे में किया जा रहा है और इसका जो आयोजन हो रहा है वो 14 मार्च से शुरू हो चुका है जो कि कब तक चलेगा, 1 अप्रैल 2022 तक ये जारी रहेगा। ठीक है, नॉर्वे में किया जा रहा है। अभ्यास में देखा जाए नाटो सहयोगी और भागीदारी के लिए हर दूसरे वर्ष नॉर्वे में आयोजन किया जाता है इस अभ्यास का। तो ध्यान रखिएगा द्विवार्षिक ये जो है आयोजन है, वर्ष दो वर्ष पे एक बार इसका आयोजन किया जाता है। जितने भी नाटो सहयोगी उनके भागीदारी हैं, उन भागीदारी जो देश हैं उनके बीच में किया जाता है, नॉर्वे में किया जाता है। उद्देश्य की बात किया जाए तो ये जो नॉर्वेजियन के नेतृत्व में ये जो अभ्यास है ये चुनौतीपूर्ण इलाके में ठंडे मौसम की स्थिति में एक साथ प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। नॉर्वे जैसा कि एक बहुत ही ठंडा देश है, ठीक है, तो ऐसी विपरीत स्थिति में कि खूब बर्फ जमी वहाँ पे अगर कुछ इस तरीके का सैन्य अभियान करना हो तो वहाँ पे किस तरीके की कौन कौन सी चुनौतियाँ आएंगी, उसमें एक तरीके से लोगों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। और किसी भी दिशा में किसी भी खतरे का निर्णायक रूप से जवाब देने में नाटो की क्षमता को प्रदर्शित करता है ये सैन्य अभ्यास। ठीक है, इस वर्ष देखा जाए अभ्यास में 27 सदस्य देशों के 220 विमान और 30,000 सैनिक और इसी के साथ साथ 50 से अधिक जहाज जो है वो भाग ले रहे हैं। और इसमें देखा जाए अगर हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी कब, देखिए 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। 12 संस्थापक सदस्यों के द्वारा किया गया था, कहाँ पे, अमेरिका के वाशिंगटन में, इसीलिए इसको वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है नाटो को। और इसकी बात करें तो ये एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। ठीक है, इसका मुख्यालय देख लीजिए कहाँ है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है और वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं, 30 सदस्य देश हैं। और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए इसी के साथ कि कौन सा भी हाल फिलहाल में जो सदस्य देश बना है यानी कि 30वां सदस्य देश कौन है। बार बार पूछी हूँ मैं, फिर से पूछूंगी, अगेन एंड अगेन मैं आपको बार बार इसको रिपीट कराऊंगी ताकि जितनी बार आप सोचो उसको उतना ही आपको याद हो जाए। बाकी इस समय नाटो के प्रमुख देखा जाए कौन है, जेम्स स्टॉलनबर्ग जो है नाटो के इस समय प्रमुख हैं। ठीक है, थीके? मुझे यहाँ पे आंसर करिए कि इस वर्ष 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक खेल हुआ था उसमें किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते थे। ठीक है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और इसी के साथ साथ बताइए कि नॉर्वे के जो केंद्रीय बैंक के प्रमुख जो है वो किसे बनाया गया है, साथ में मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 के विजेता के रूप में किसका नाम घोषित किया गया है, फ्रांसिस केरे, एनी लेकाटन, जिन फिलिप वासल या फिर एवन फेरल। करेक्ट आंसर इज ए, फ्रांसिस केरे को प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। ये देखिए इनका इनका जो जन्म हुआ था या किस देश से संबंधित है, तो ये बुर्किना फासो से हैं, अफ्रीकी कंट्री है ये। और ये वास्तविक आर्किटेक्ट डाइवेडो फ्रांसिस केरे ने वर्ष 2022 का प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीता है। और अगर हम इस पुरस्कार की बात करें, प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, तो ये वास्तुकला की दुनिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये पुरस्कार पाने वाले फ्रांसिस केरे
अफ्रीका के पहले वास्तुकार हैं, ठीक है। और इनका जन्म बुर्किना फासो में हुआ था जैसा कि हमने बताया। और इस वर्ष जो प्रिट्जर वास्तुकला पुरस्कार दिया गया है वो 91वां दिया था, ठीक है। आपको क्रम भी पता होना चाहिए पुरस्कारों के, कौन से क्रम जो है वो थे, तो 91वां था ये। अगर हम बात करें जो पहले भारतीय थे कौन जिन्होंने प्रिट्जर पुरस्कार ये प्राप्त किया था, तो ये 2018 में बालकृष्ण दोषी जो थे वो प्रिट्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। इस पुरस्कार की बात करें तो इस पुरस्कार को हयात फाउंडेशन के द्वारा 1979 में स्थापित किया गया था। और यह पुरस्कार जो है उन वास्तुकारों को दिया जाता है जिनका निर्मित कार्य प्रतिभा, दृष्टि और प्रतिबद्धता के संयोजन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस वर्ष का जो प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया है किसे दिया गया है, ये पहले अफ्रीकी हैं जिनका नाम है डायबेडो फ्रांसिस कैरे, ठीक है। आप इनकी तस्वीर यहाँ पे देख रहे हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, अरुंधति भट्टाचार्य या फिर जयंती घोष। करेक्ट आंसर इज डी, जयंती घोष को जो है ये एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं, उनको संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये जयंती घोष हैं, नॉट इज जयंती घोष, ठीक है। ध्यान रखिएगा जयंती घोष हैं और इनको संयुक्त राष्ट्र के प्रभावी बहुपक्षवाद पर एक नए 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया, ठीक है। तो ये एक बोर्ड बनाया गया है जिसमें जो कि 12 सदस्यीय बोर्ड है जिसमें शामिल किया गया है किसको, ये भारतीय विकास अर्थशास्त्री जयंती घोष को शामिल किया गया है, ठीक है। प्रभावी बहुपक्षवाद पर जो सलाहकार बोर्ड जो नियुक्त है जो बनाया गया है जिनमें इनको शामिल किया गया है, अगर इस बोर्ड की बात करें तो इस बोर्ड की सह अध्यक्षता लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता एलन जॉनसन सरलीफ ने, और साथ ही साथ स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री स्टेफन लोफेन के द्वारा जो है लोफमेन के द्वारा किया गया था, ठीक है। जयंती घोष की बात किया जाए तो ये आर्थिक और सामाजिक मामलों पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी हैं, ठीक है, जयंती घोष। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में सरदार वर्दी मुखामदेव को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान। तो करेक्ट आंसर इज डी, तुर्कमेनिस्तान का राष्ट्रपति इन्हें चुना गया है, ठीक है। तो देखिए तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जिनका नाम है सरदार वर्दी मुखामदेव। और मुखामदेव की बात करें तो इनके पिता भी जो थे वो यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था गुरु बांगुली वर्दी मुखामदेव। इन्हीं का ये स्थान लेंगे कौन, सरदार वर्दी मुखामदेव, जो कि देखा जाए इस वर्ष से मतलब यहाँ के तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं। और इनके जो पिता यानी कि जो वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति गुरु बांगुली वर्दी मुखामदेव की बात करें तो ये 2006 में राष्ट्रपति बने थे, जो कि इनका कार्यकाल इस वर्ष यानी कि 2022 में समाप्त हुआ, ठीक है। अगर हम तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी अशखाबाद है और यहाँ की जो मुद्रा है वो तुर्कमेनिस्तानी मानद जो है वो यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। और ये देखिए आपके सामने तुर्कमेनिस्तान का मैप खुला हुआ है, ये देखिए वर्ल्ड मैप में आपको तुर्कमेनिस्तान की लोकेशन देख रही होगी। भारत का देखा जाए तो उत्तर यहाँ पे पश्चिम की तरफ आपको लोकेशन दिख रही है और यहाँ पे देखिए तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की सीमाओं की बात करें तो देखिए यहाँ की राजधानी अशखाबाद है और यहाँ की जो जो सीमाओं देखिए किससे किससे ये लग रहा है, तो यहाँ पे उत्तर पे देखा जाए तो उत्तर पश्चिम में ये किससे लग रहा है, कजाकिस्तान से लग रहा है। उत्तर पूर्व की बात करें तो उज्बेकिस्तान से, और यहाँ पे देखा जाए तो पश्चिम यहाँ पे दक्षिण पश्चिम में देखा जाए तो दक्षिण पूर्व में देखा जाए तो किससे लग रहा है, अफगानिस्तान से, और यहाँ पे ईरान से जो है ये अपनी सीमा को साझा कर रहा है। और इसकी एक सीमा देखा जाए तो किससे लग रही है, इसकी जो यहाँ पे तो कैस्पियन सागर से इसकी सीमा जो है वो अपनी सीमा को साझा कर रहा है, ठीक है। कैस्पियन सागर को बताइए कितने कितने देशों के द्वारा जो है कैस्पियन सागर की सीमा लगती है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैस्पियन सागर, तो यहाँ पे बताइए किन किन देशों से कैस्पियन सागर की सीमा लगती है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। यहाँ पे हमें तीन देश देखने को मिल रहे हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, इसी के साथ साथ बाकी के देशों का नाम बताइए, ठीक है। आते हैं अगले सेशन अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है कि 2022 स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, नीरज चोपड़ा, सुशील कुमार, विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा। करेक्ट आंसर इज ए है, नीरज चोपड़ा को जो है स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और नीरज चोपड़ा इनको 2022 के स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष
पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। अगर वहीं देखें फीमेल में किसे सम्मानित किया गया है स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड से, तो ये टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था, कि नहीं, भारोत्तोलक मीराबाई चानू, ठीक है, मीराबाई चानू को स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल का पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा देखिए और किसे किसे जो है अवार्ड प्रदान किया गया है, तो लवलीना बोरगोहेन को देखा जाए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी व्यक्तिगत श्रेणी में, व्यक्तिगत खेल में, अवनी लेखरा को देखा जाए तो वर्ष की एथलीट महिला, ठीक है, सविता इनको वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टीम खेल के रूप में इनको सम्मानित किया गया है। रुपिंदर पाल सिंह को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टीम खेल के रूप में इनको सम्मानित किया गया। वहीं देखा जाए प्रमोद भगत, इन्हें विशेष मान्यता पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। भारतीय हॉकी टीम के जो पूर्व कप्तान है जिनका नाम है अजीत पाल सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये जो ज्यूरी जो पैनल थे जिसके द्वारा जो है ये निर्णय लिया गया है कि किसे किसे जो है सम्मानित किया जाए, उस पैनल की अध्यक्षता देखिए किसके द्वारा की गई थी, तो भारत के दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर के द्वारा उस पैनल की ज्यूरी पैनल की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, मेनली आपके लिए इंपॉर्टेंट ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल संभावित प्रश्न पूछे जाने का। आते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि एयर इंडिया का नया चेयरमैन किससे नियुक्त किया गया है, इलेकर आईची को, एन चंद्रशेखरन को, राकेश गंगवाल को, या फिर नरेश गोयल को। करेक्ट आंसर इस बी है, एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, और ये टाटा संस के चीफ हैं एन चंद्रशेखरन, इनको एयर इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और इसकी जो है एयर इंडिया की जो बोर्ड की बैठक हुई थी उनमें इनकी नियुक्ति को, एन चंद्रशेखरन की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। इसी के साथ साथ देखा जाए जो बोर्ड है उसमें देखिए और किसको शामिल किया गया है, तो यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के पूर्व CMD हैं जिनका नाम है एलाइस जी वर्गीस विद्यान को, और हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन हैं जिनका नाम है संजीव मेहता को, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के तौर पे जो है वो शामिल किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एयर इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे, किस देश की करोलिना बिलावोस्का को मिस वर्ल्ड 2021 का ताज पहनाया गया है, स्वीडन, ब्राज़ील, पोलैंड, या फिर स्पेन। तो ये बताइए किस देश का, इस बार किस देश की जो है किसे जो है मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया, वो किस देश से संबंधित हैं जिनका नाम है कैरोलिना विलावोस्का, ये हैं देखा जाए पोलैंड की हैं। ठीक है, पोलैंड की हैं कैरोलिना विलावोस्का को मिस वर्ल्ड 2021 का जो है खिताब पहनाया गया है। तो पोलैंड की कैरोलिना विलावोस्का को मिस वर्ल्ड 2021 का ताज पहनाया गया, और इनको ये ताज पहनाया गया है तो जमैका की जो 2019 की मिस वर्ल्ड थी जिनका नाम था टोनी एनसिंग, इन्होंने इस ताज को पहनाया गया। अगर हम बात करें फर्स्ट रनर अप की कौन रहा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय अमेरिकी श्री सैनी जो है वो प्रथम उपविजेता थी, रनर अप थी, और उसी के साथ साथ जो दूसरा स्थान था वो था कोटे डी आइवरी की ओलिविया एस का स्थान था, जहाँ आप इनकी तस्वीर देखें यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट रनर अप थी, सेकंड रनर अप थी, ये विजेता है पोलैंड की। ठीक है, अगर हम बात करें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था मिस वर्ल्ड 2021 में, तो यहाँ पे देखा जाए फेमिना मिस इंडिया रह चुकी हैं वर्ल्ड 2020, मानसा वाराणसी ने जो है वो इस वर्ष जो है प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन वो फाइनल में नहीं पहुंच पाई। अगर इस वर्ष की हम बात करें कि मिस वर्ल्ड इंटरनेशनल कहाँ पे जो है आयोजित किया गया था ब्यूटी प्रेजेंट, तो ये 17वां संस्करण था जिसका आयोजन सैन जुआन प्यूटोरिको में जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आते हैं अगले प्रश्न पर, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है, 20 मार्च को, 21 मार्च को, 22 मार्च को, या फिर 23 मार्च को। तो करेक्ट आंसर इस डी है, ठीक है, 23 मार्च को जो है मनाया गया विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है आयोजन किया गया है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे यानी कि जो है मनाया जाता है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और ये जो मनाया जाता है किस चीज़ को चिन्हित करने के लिए, तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च को 1950 को, उसी दिन को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो है आयोजन किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, चूँकि इसकी स्थापना जैसा कि 23 मार्च 1950 को हुआ था विश्व मौसम विज्ञान संगठन का, और इसी को चिन्हित करने के लिए, इसके स्थापना डे को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष जो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। इस दिवस को मनाने का यही योगदान क्या है या फिर उद्देश्य क्या है, तो समाज की सुरक्षा एवं भलाई के लिए राष्ट्रीय मौसम विज्ञान एवं जल विज्ञान सेवाओं के आवश्यक योगदान को दर्शाना जो है। इस वर्ष की थीम देखा जाए विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम जो है क्या थी, प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई यानी कि अर्ली, यहाँ पे वार्निंग होगा। ठीक है,
वार्निंग और अर्ली एक्शन जो है वो यहाँ इसकी चेतावनी यहाँ का इस वर्ष की थीम रही है। ठीक है, अगर हम विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करें तो ये एक विज्ञान मौसम विज्ञान संगठन है। इसका जो है स्थापना किया गया था 11 अक्टूबर 1949 को हुआ था। ठीक है, और संधि के बाद देखा जाए तो ये जो है लागू कब स्थापित किया गया था, 23 मार्च 1950 को जो है ये लागू कर दी गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। इस समय वर्तमान में देखा जाए तो 191 सदस्य राज्यों और क्षेत्रों की सदस्यता विश्व मौसम विज्ञान संगठन के पास है। इस समय प्रमुख देखिए कौन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के, वो है डेविड ग्रिम्स जो है इसके प्रमुख हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर करें, 23 मार्च को हम अन्य दिवस के भी रूप में मनाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एक दिवस देखा विश्व मौसम विज्ञान दिवस, अन्य कौन कौन सा बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, दो दिवस आप मुझे बताइए जो 23 मार्च को मनाए जाते हैं, दो अन्य दिवस कौन से हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम या फिर सिक्किम? तो करेक्ट आंसर इज बी है, नागालैंड जो है, नागालैंड की जो विधानसभा है भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है। और इसी के साथ साथ वहाँ पे 19 मार्च 2022 को नागालैंड की विधानसभा ने पेपरलेस बनने के लिए एक राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन जो है कार्यक्रम लागू किया है नेवा, जिसके साथ ही जो वहाँ की विधानसभा है वो भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है। अगर हम नेवा की बात करें इंटरनेशनल ई विधान एप्लीकेशन की, तो ये NIC क्लाउड मेघराज पर तैनात एक कार्यवाही प्रणाली है। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा देखा जाए तो विभिन्न दस्तावेज जैसे कि प्रश्नों की सूची, व्यवसाय की सूची, स्पोर्ट्स बुलेटिन, नोटिस, बिल इत्यादि आसानी से प्राप्त करने का इसमें प्रावधान है। इसको देखा जाए जो लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था, तो देश की जितनी भी विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के कामकाज को कागज रहित बनाने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य की अगर बात किया जाए तो ये पूर्ण रूप से डिजिटल प्रणाली स्थापित करना है, जिससे सभी जो है सरकारी कार्य आसानी से और कम समय में पूरा हो सके। तो जितने भी जो है इसका जो है इसको स्थापित करने का मूल उद्देश्य यही था कि हर सारे जितने भी जो हम सरकारी जो है ऑफिस में जो कार्य होते हैं वो पूरी तरीके से पेपरलेस होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नेवा का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो है जो नागालैंड की विधानसभा है वो भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है। इसी के साथ साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि किस राज्य ने सबसे पहले पेपरलेस बजट को पास किया था, कौन सी वो राज्य है। ठीक है, इसी के साथ साथ थोड़ा सा हम देख लेते हैं किसके बारे में, नागालैंड के बारे में। तो नागालैंड जो कि हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है जिसको हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं, सेवन सिस्टर्स में से एक कौन है आपका नागालैंड है। नागालैंड आप यहाँ पे इसकी लोकेशन को आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखा जाए तो ये तीन राज्यों से और एक देखा जाए तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती किससे, म्यांमार से लग रही है, और उत्तर में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश से, दक्षिण में देखा जाए तो मणिपुर से, और वेस्ट की तरफ देखा जाने के पश्चिम में असम से, पूर्व में देखा जाए तो म्यांमार से ही अपनी सीमा को साझा कर रहा है नागालैंड। नागालैंड जिसकी राजधानी कोहिमा है, यहाँ के मुख्यमंत्री देख लीजिए नेफ्यू रियो जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें तो जगदीश मुखी जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है कि भारत और किस देश की सेना के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स दस्तलिक का आयोजन किया जा रहा है, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान? करेक्ट आंसर सी है, उज्बेकिस्तान। और भारत के सेनाओं के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स दस्तलिक का आयोजन किया जा रहा है। तो ये देखा जाए भारत और उज्बेकिस्तान का तीसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है एक्स दस्तलिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक्स दस्तलिक। और इसका जो आयोजन किया जा रहा है 22 मार्च से शुरू है जो कि 31 मार्च तक चलेगा, और उज्बेकिस्तान के यांग्गियाक्रिका में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, यांग्गियारिक। ठीक है, इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है, संयुक्त रूप से दोनों देशों की सेना को प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य है। और भारत की तरफ से इस जो अभ्यास में किसने भाग लिया है, किस दस्ते ने भाग लिया है, तो भारत की जो है इस अभ्यास में सेना का ग्रेनेडियर रेजिमेंट का दस्ता जो है भाग ले रहा है। इस सब चूँकि तीसरा संस्करण था, अगर हम दूसरे संस्करण की बात करें जो कि पिछले वर्ष मार्च 2021 में आयोजित किया गया था, वो उत्तराखंड के रानी खेत में जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान में हुआ है। आते हैं अपने, चूँकि हम उज्बेकिस्तान की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आइए उज्बेकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। देखिए उज्बेकिस्तान है, और यहाँ पे देखा जाए आप लोकेशन प्रॉपर वैसे देख रहे हैं जो कि यहाँ पे उज्बेकिस्तान टोटली देखा जाए तो ये लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, इसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। इसके उत्तर में देखा जाए तो कजाकिस्तान है,
और ये देखा जाए पूर्व में देखा जाए तो इसके ताजिकिस्तान है, फिर दक्षिण में देखा जाए तो यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो इसकी सीमाओं को साझा कर रहा है। और 1991 में ठीक है जैसे देखिए सोवियत संघ जब विघटित हुआ था ना तो ये तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पांच जो देश है ना वो इनसे अलग हुआ था यूएसएसआर जो था उसी से, यानी कि ये देखा जाए 1991 तक सोवियत संघ का ही एक घटक थे। उसके जो है टूटने के बाद जो है कुछ ये नए नए देश जो है अस्तित्व में आए थे, जिसमें हम उज्बेकिस्तान की बात कर रहे हैं, उज्बेकिस्तान ठीक है ध्यान रखिएगा। और यहाँ की जो राजधानी देखिए ताशकंद है, यह आप देख रहे हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है वो उज्बेकिस्तानी सोम है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शावकत मिर्जी योएव जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है यहाँ पे देखिए आपको अरल सी दिख रहा होगा, एक अरल सी जो है छोटी सी झील जैसा। और ये देखा जाए एक प्रश्न भी आपके एग्जाम में आया था कि अरल सी जो है वो किन दो देशों के बीच में स्थित है, तो ये देखा जाए तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में ये अरल सागर जो है वो स्थित है, ये लोकेशन ध्यान रखिएगा। प्रश्न भी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में और यहाँ पे ठीक है ये। अब हम आ जाते हैं अपने, और इससे पहले मैं एक प्रश्न आपसे और पूछूंगी ठीक है। यहाँ पे हम चूँकि अभ्यासों की बात कर रहे हैं तो एक आपसे प्रश्न है कि एक अभ्यास है जिसका नाम है नोमैडिक, ठीक है नोमैडिक एलिफेंट। ये बताइए भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। और आ जाते हैं आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे में कि चर्चा में रहा नरक का प्रवेश द्वार गेटवे टू हेल किस देश में स्थित है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आज आपने मैंने काफ़ी आपसे प्रश्न पूछा और आप लोगों की विशेष आप लोगों ने काफ़ी अच्छा मुझे लगा कि आप लोग मुझे प्रॉपर आंसर कर रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आंचल जी आप लोग मैसेज मुझे काफ़ी अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगता है जब आप अप्रिसिएट करते हो, और उससे भी अच्छा लगता है जब आप मुझे आंसर करते हो, रेगुलर रहते हो, जैसे कि सौरभ जी हैं, शमशेर जी हैं, फैजान जी हैं, ठीक है सारे लोग इतना अच्छा आंसर करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप लोग करते रहिए, इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए ठीक है। बाकी डेली करंट अफेयर्स की जो PDF है वो आपको कमेंट बॉक्स में जिसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जो है लिंक को डाउनलोड यहाँ लिंक पे जा करके PDF को डाउनलोड करके इसको रिवीजन करिए। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ठीक है। बाकी फिर बोलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।